नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। हरिद्वार में उमड़ पड़े कांवड़िए, 1,10,000 ने भरा जल, बम बम बोले के जयकारों से गूंजी धर्मनगरी। मुख्यमंत्री धामी ने की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत नड्डा से मुलाकात, मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं हुई तेज। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में मां बेटे की मौत, बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल। देहरादून समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मैदानी इलाकों में हो सकती है जल भराव की स्थिति। भारी बारिश के बाद स्मार्ट सिटी देहरादून की खुली पोल, जगह जगह जल भराव से परेशान हुए शहरवासी। केदारनाथ धाम में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर मंदिर के ठीक सामने एक दंपति का मांग भरते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वहीं आज भी मंदिर के भीतर खुले मोबाइल ले जाते हुए श्रद्धालु दिखे। इस घटना पर तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताया है। पुरोहितों ने कहा कि मंदिर समिति इन अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है, जल्द से जल्द सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय ले। आपको बता दें कि भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं जहां मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अभी भी बद्री केदार मंदिर समिति ने धामों में मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। किशन भगवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। मंदिर समिति की तमाम अव्यवस्थाओं अनियमितताओं के संबंध में आपको अवगत करा रहा हूं कि कई बार कहने के बाद भी यहां पर जो है लगेज रूम की हमने मांग की थी कि लगेज रूम होना चाहिए, जहां जो है यात्री अपना सामान रखे, अपने मोबाइल कैमरा वगैरह रख सके। लेकिन वर्तमान में इतनी अराजकता की स्थिति हो गई है कि इस मंदिर समिति में कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। कोई दान पात्री उठा के ले जा रहा, कोई कुछ कर रहा है। आज गर्भगृह में आपके मोबाइल कैमरा सब पहुँच रहे हैं। इस तरह की मंदिर समिति है, न तो कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के अंदर इस तरह की वीडियोग्राफी करना बिल्कुल वर्जित है। और गर्भगृह में तक जो है लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, जिसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरह के वीडियो जो है आपने पूरे उसमें देखे होंगे, जो केदारनाथ के उसकी परंपरा के खिलाफ है और उसकी यात्री हित में, तीर्थ हित में, समाज हित में बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और यही अपेक्षा करते हैं सरकार से भी, मंदिर समिति से भी, कि अविलंब इस तरह की व्यवस्था करे ताकि यात्री अपने जो है मोबाइल कैमरा वगैरह एक लगेज रूम में रख सके और जो प्रतिबंधित है जो चीज़ें उसको मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर परिसर में, मंदिर के अंदर न ले जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नड्डा से भेंट कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही राज्य से जुड़े अन्य विषयों पर भी विमर्श किया। इस दौरान धामी कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में धामी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं को तेजी से हवा मिली है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के साथ ही दायित्व वितरण की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। धामी कैबिनेट के विस्तार पर कई दिनों से चर्चा थी, अब एक बार फिर से इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। हरिद्वार चीला पर पड़ने वाली घासी राम नदी में बरसाती पानी के आने से एक थार गाड़ी नदी के बहाव में फंस गई। हालांकि सामान्य दिनों में नदी में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। बीते रोज दिल्ली निवासी खालिद महमूद अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था और इसी रास्ते से वापस दिल्ली अपने थार वाहन से जा रहा था। नदी के बहाव का अंदाजा न होने के गाड़ी नदी के बहाव में बहने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को नदी के बाहर निकाला और कार सवार लोगों की जिंदगी को बचा लिया। अब खबर उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर से है, जहां बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक आर्मी जवान समेत उनकी मां की भी मौत हो गई, जबकि मृतक जवान का भाई जो कि आर्मी में ही है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां वाहन में फंसी महिला को बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कैंतुरा ने बताया कि हादसा बहुत ही खतरनाक हुआ है और क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। उत्तरकाशी जिले के बड़ेथी बनचौरा मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें इंदिरा गांव के रहने वाले विकास और भूपेंद्र दोनों ही सगे भाई मौजूद थे, जो कि आर्मी में तैनात थे और आजकल में गांव आए हुए थे। मंगलवार को अपनी मां के स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें चिन्याली छोड़ चिकित्सालय लेकर आए थे। बुधवार सुबह गांव की तरफ लौट रहे थे कि अचानक चिन्याली के समीप उनका वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया और गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद विकास और उनकी मां की मौके पर मौत हो गई। वहीं भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शहर में कई जगहों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जल भराव से आवागमन बाधित हो गया है। वहीं कई जगहों पर गाड़ियां भी फंस गई हैं। आपको बता दें कि इन दिनों राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिससे कई जगह पर गड्ढे खुले हुए हैं और बारिश के वक्त गाड़ियां उन गड्ढों में फंस गई है। भारी बारिश के चलते रिस्पना पुल पर जबरदस्त जल भराव नजर आया, जहां गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आई। ऐसे में स्मार्ट सिटी की लगातार पोल खुलती हुई नजर आई।
सावन मास का महीना शुरू होते ही शिवालय और सिद्धपीठ मंदिरों में भक्तों का बेला लगने लगा है। भगवान दत्तात्रेय के 80 शिष्यों में से 4 शिष्य उत्तराखंड में हैं, जिनमें लक्ष्मण सिद्ध भी एक है। वैसे तो यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का प्रत्येक दिन तांता लगा रहता है, लेकिन सावन महीना शुरू होते ही यहां स्थित शिवालय में श्रद्धालु जलाभिषेक करने और मनोकामना मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक शिवालय है, यहाँ पे अखंड पाठ होता रहता है, रुद्री वगैरह होता रहता है यहाँ पे बराबर, और उसका फल भी मिलता है, इसलिए यहाँ पे महत्व है सावन का। और बराबर ये पाठ चलते रहते हैं, सावन के अलावा भी चलते रहते हैं, दिल्ली से, बम्बई से, मद्रास से, बाहर से भी आते हैं लोग। जो मनोकामना लेके आते हैं पूरी होती है। और ये त्रेता युग का मंदिर है, और त्रेता युग में जो है भगवान लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था यहाँ पे, और तपस्या करने के बाद में यहाँ पे सीत समाधि है, और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, यात्री आते हैं बराबर। और यहाँ पे गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि पुराने ज़माने में गुड़ या शक्कर मिठाई होती थी, इसीलिए गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। 2 रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं, और एक कुआँ भी है यहाँ पे, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक 3 मुखी रुद्राक्ष। बचपन से ही आ रहे हैं, ग्राम जोली ग्रांड से हम लोग, और बचपन से ही आते हैं, सालाना एक बार तो आते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो सालाना एक बार, जब कभी देहरादून आता हूँ मैं तो निश्चित ही लक्ष्मण सिद्ध बाबा के दर्शन और शिवजी के दर्शन करके, और हर मनोकामना पूरी होती है हमारी। तो ये इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, मतलब वो बचपन से ही है, छोटेपन से ही है। आया था यहाँ, हमारी मौसी जी रहती हैं करनपुर चौक पे, तो 40 साल पहले आया था, तो उतना डेवलपमेंट नहीं था जितना कि आज 40 साल बाद हो रहा है। अब बहुत प्राचीन मंदिर है, मेरी इसके बहुत पुरानी आस्था इससे। लक्सर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को जीआरपी थाना अध्यक्ष ममता गोला के नेतृत्व में खानपान वेंडरों और कुलियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जहां कल से आरंभ हुए कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जीआरपी की थाना अध्यक्ष ममता गोला ने कहा कि उनकी इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खानपान वेंडरों और कुलियों की आपसी सामंजस्य और सहभागिता है। इस कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए उच्चाधिकारीगणों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको धरातल पर लागू करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और रेल विभाग के साथ आपसी सामंजस्य बना के कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु हमारा प्लान तैयार किया गया। वह एक दूसरे से सहयोग की अपील की गई, सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया, और आज उसी के क्रम में कुली वेंडरों से रेलवे स्टेशन पर आकर उनको उच्चाधिकारीगणों द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का अनुपालन कराए जाने हेतु सहयोग की अपील की गई है। और ये भी बताया कि अपना जो रेलवे स्टेशन पर सामान बेचेंगे वो लोग, उनकी रेट लिस्ट सही तरीके से बना के रखें और पठनीय दशा में रखें, ऐसा नहीं है कि अपठनीय दशा में रखें। ये आज कांवड़ को लेकर, कांवड़ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जीआरपी एसओ मैडम ममता गोला जी ने बैठक ली है, जिसमें सभी खान पान वालों को और जो शहर में जो कर्मचारी जितने लोग हैं जो काम करते हैं प्राइवेट, उन सबको बुलाया गया था। उसमें विशेष रूप से हिदायत दी गई कि जिस दौरान ये कांवड़ मेला चलेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, किसी प्रकार से कोई अपना व्यवहार खराब ना रखे, कोई रेट का कोई जो उचित मूल्य है वही लिया जावे, अपनी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं पूरी उनको पूरी तरह से सामान्य रखा जाए, ताकि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो जाए। सरोवर नगरी नैनीताल में स्नोव्यू वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। नगर पालिका परिषद नामित सभासद तारा राणा के नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा से हंसा रावत, भाजपा वार्ड अध्यक्ष लता तिवारी, पुष्पा राणा आदि के घर घर जाकर जनसंपर्क कर केंद्र सरकार 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। रामनगर कोतवाली ने एक बाइक चोरी के मामले में 2 बाइक चोरों को चोरी हुई बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने के बाद कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि सोमवार की रात डेयरी फार्म फौजी कॉलोनी से एक बाइक चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक स्वामी और अन्य लोगों की मदद से घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर चोरी की गई बाइक के साथ ब्रजेश चौहान निवासी थाना बौड़ी जिला बहराइच उत्तर प्रदेश और समीर को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी शहर से सटे चंदोला राई गांव में घात लगाकर गुलदार ने एक 4 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल बच्ची का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान चंदोला राई संगीता देवी ने बताया कि 4 वर्षीय बच्ची रितु राणा अपनी माँ के साथ बाथरूम जा रही थी, इतनी देर में घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और माँ के बच्चे के साथ होने के कारण माँ और परिजनों के हल्ला करने पर गुलदार वहां से भाग गया, जहां से परिजनों द्वारा घायल बच्ची को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इससे पहले भी गुलदार द्वारा लगभग 1 महीने पूर्व उसकी बड़ी बहन को घायल किया गया था। परिजनों का हो हल्ला करने पर गुलदार उस समय भी भाग गया था। बताया जा रहा है कि नेपाली मूल का परिवार खेती का काम करता है और उनके घर के पास ही गांव की स्कूल भी है। गुलदार आए दिन यहां देखे जाने से स्कूली बच्चों को भी गुलदार का खतरा बना हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग की पौड़ी नागदेव रेंज अधिकारी ललित मोहन नेगी ने बताया कि गांव में लगातार गुलदार के भाई को देखते हुए वन कर्मियों द्वारा गश्त की जा रही है।
ये बाघ ने 24 घंटे इतना आतंक मचा रखा वहाँ पे, उससे पहले एक बड़ी बहन को पकड़ा वहाँ पे, है ना। खैसासन प्रशासन जो स्टाफ है विभाग है आ ही रहे वहाँ पे, गश्त में भी आ ही रहे हैं, लेकिन बाघ का करना क्या किसी ने भी, है ना। अब भाई साहब लोगों को तुरंत फोन करते आते हैं, लगाया उन्होंने पिंजरा भी लगा रखा है, लेकिन पिंजरे का क्या महत्व, जो भाई बाघ तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना, हमले भी करते जा रहा है, पहले गडोली में भी किया उन्होंने, अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उसी की बड़ी बहन को पकड़ा, क्या किया जाए, शासन प्रशासन क्या क्या सोचता है मतलब इस बारे में। मतलब जो है अभी तो पहले घटना घटी थी, उस चक्कर में हमने गडोली में पिंजरा भी लगा रखा है और लगातार गश्त जारी है। तो घटना के बाद मुझे लग रहा कि गुलदार जो है रोड के नीचे चला गया, उसके बाद ये भी था कि बैंगवाड़ी में भी गया, बैंगवाड़ी में तब से जो है ये रोड के ऊपर नहीं गया, तब से रोड के नीचे घूम रहा है। और हमारे द्वारा गडोली में 2 पिंजरे लगाए गए हैं, तो हम लगातार गश्त कर रहे हैं और पेट्रोल पम्प से लेके और गटोली से लेके और ये सर्किट हाउस से होते हुए ATM आवास होते हुए सामना हो रहा है और लगातार दिखाई दे रहा है, और इसके लिए प्रयास वन विभाग की तरफ से जारी है। और ये जो है घटना हुई है तो रोड के नीचे हुए, पेट्रोल पम्प के नीचे चंदो लोग आए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक परिवार रहता है, खेती करते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा लाइट भी वहाँ पर प्रॉब्लम है। ये पहले भी घटना हुई थी तो लगातार 3-4 दिन वहाँ पे गश्त की गई थी, और गश्त के दौरान जो है तो जो है गुलदार की गतिविधि कम हुई, तो थोड़ा सा उधर गश्त करने के बजाय जब वर्तमान घटना पे हमने ध्यान देते हुए वहाँ पे ज़्यादा जोर दिया, तो लेकिन वो जो है नीचे आज ये घटना घटी। और 8 बजे लगभग 8 बजे के बाद गुलदार ने एक लड़की पर जो है झपट्टा मार दिया, जिससे कि उसको जो है हॉस्पिटल में लाया गया, तो उसी को जो है देख लेंगे हॉस्पिटल में। अब खबर पिथौरागढ़ के मुंसारी से है, जहां मुंसारी के तहसील बंगापानी के अंतर्गत धार के तोमिक PMGSY मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने DDHAT युवा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह दानू के नेतृत्व में बंगापानी तहसील कार्यालय में एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। तहसीलदार बंगापानी के माध्यम से जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि धार खेत तोमिक PMGSY मोटर मार्ग निर्माण कार्य 5 साल बीत जाने के बाद भी सड़क कटिंग में किसानों के खेत कटे थे, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। शीघ्र 2 सप्ताह के भीतर यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग तहसील बंगापानी पहुंचे हैं, धारखेत तोमिक मोटर मार्ग निर्माण कार्य 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक गरीब किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा की मांग को लेकर आज समस्त ग्रामवासी तहसील बंगापानी पहुंचे हैं, और तहसीलदार जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी महोदय पिथौरागढ़, उप जिलाधिकारी धारचूला और PMGSY के अधिशासी अभियंता जी को हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, अगर शीघ्र 2 सप्ताह के भीतर हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है तो हम लोग क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और प्रभावित परिवारों को साथ लेकर तहसील बंगापानी और अधिशासी अभियंता कार्यालय धारचूला और जिला अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी प्रयोगशाला मसूरी में स्थापित कर देश दुनिया को कई ऊंची चोटियों की खोज कर उनके मानचित्र में स्थान दिया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। मसूरी में मंगलवार को मसूरी पर्यटन विभाग द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, और जॉर्ज एवरेस्ट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि 1832 से लेकर 1843 तक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दुनिया की कई ऊंची चोटियों की खोज मसूरी में रहकर की थी। सर जॉर्ज एवरेस्ट का जन्म 4 जुलाई 1790 को क्रिकवेल यूनाइटेड किंगडम में पीटर एवरेस्ट और एलिजाबेथ एवरेस्ट के घर में हुआ था। 1 दिसंबर 1866 लंदन से हाइट पार्क गार्डन स्थित घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं मसूरी स्थित हाथीपांव पार्क रोड में सर जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़े इतिहास को लेकर म्यूजियम का भी निर्माण कराया गया, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है जो पर्यटन मंत्रालय उनका जन्मदिन मना रहा है, और ये एक तरह से जिस तरह से पर्यटन मंत्रालय ने पिछले 3-4 वर्षों में इसका रेनोवेशन कराया, आपने भी जानते हैं मसूरी के वासी है कि किस क्या हालत में थी। बहुत ही डिलैपिडेटेड हाल था, इसका जीर्णशीर्ण अवस्था थी, और उसको बहुत तेज़ी से ये कार्य कराया, और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत अच्छा हो गया और उसमें लॉन वॉन बनते जा रहे हैं। हर साल जब हम आते हैं यहाँ पे इसको कुछ डेवलपमेंट होता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, हमेशा कोई नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। इस बार तो बहुत ही हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और IG साहब हमको यहाँ मिले हैं जो इसके यहाँ पे इस टाइम रहते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इसको, और आशा करता हूँ कि ये आने वाले और भी इसको चलती रहेगी करेंगे और इसका और रेनोवेशन होता रहेगा, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट जो एक ऐसी हस्ती है जो ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये पूरे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है,
जैसे माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया के हर लोग जानते हैं, दुनिया की हर एथलेट्स में हर मैप में उनका नाम है, माउंट एवरेस्ट का आता है, तो जो माउंट एवरेस्ट का जब नाम आएगा तो जॉर्ज एवरेस्ट का नाम भी आएगा। पर ये मसूरी का सौभाग्य है कि मसूरी में उन्होंने लगभग 13 वर्ष अपने कार्य के यहाँ पर निकाले, उनका यहाँ पर सारे असिस्टेंट रहते थे, यहाँ पर उनके वॉलंटियर रहते थे, और जो वो फील्ड वर्क किया करते थे उसको जो टेबल वर्क होता था वो सब मसूरी में हुआ करता था। लगभग 6 महीने वो यहाँ रहते थे और 6 महीने वो पूरे भारत में जाके अपने टेबल वर्क किया करते थे और फिजिकली वर्क किया करते थे। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे मसूरी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उस समय जब वो यहाँ मसूरी में थे तो वो ड्यूअल ड्यूटी कर रहे थे, दो दायित्व निभा रहे थे, एक तो ट्रिग्नोमेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिंटेंडेंट थे और एक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। और उसमें वो 12-13 वर्ष और जब यहाँ से रिटायर हुए 1843 में, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। और उनका उनकी जो देन है वो मैं इतने छोटे उसमें नहीं बता सकता। ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम सब कॉन्टिनेंट के लिए किया है और उनके बारे में कई किताबें लिखी हुई है, ब्रिटिश लोगों ने भी लिखी है, भारत के लोगों ने भी लिखी है। ही वॉज़ अ जीनियस, मैथमेटिक्स के जो सिद्धांत होते उसी पर आधारित उन्होंने ये जो हाइट्स वाइज का नापा और ये जो हिमालयस की नापी और हमारे देश का जो आज हम मैप देखते हैं ये सब कॉन्टिनेंट का देखता है। अब खबर टिहरी जिले के विकासखंड भिलंगना में पड़ने वाले सीमांत गांव गंगी से है, जहां पर गोवंश के पशु लंपी की चपेट में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग की टीम ने सीमांत गंगी पहुंचकर संक्रमित जानवरों का टीकाकरण किया। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र घनसाली के कई गांव में लंपी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग की टीमें गाँव गाँव पहुंचकर टीकाकरण अभियान में तेजी ला रही है। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी में करोड़ों रुपए की योजनाओं के तहत कार्य तो कराया जा रहा है, लेकिन सभी कार्य अधूरे पड़े हुए, वहीं किसी भी योजना का लाभ मसूरी की जनता को नहीं मिल पा रहा है। गणेश जोशी बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर योजनाओं के तहत आने वाले पैसे में बंदर बांट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन अभी मात्र 50% ही काम पूरा हो पाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की जनता को मात्र वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहूँगा कि हम पूर्व में भी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत जी, उनके द्वारा भी यहाँ धरना दिया गया था माल रोड को लेकर, लेकिन जो माल रोड का जो कार्य है आज भी 50% पर ही अटका हुआ है। और जो कार्य की जो गुणवत्ता है बिल्कुल निचले स्तर की है, जो भी पत्थर लगाए जा रहे हैं वो आप ही से उखड़ने शुरू हो गए हैं। तो माल रोड का जो ये कार्य है लगातार जो नहीं हो रहा है, और बिल्कुल जिससे पर्यटन सीजन को बिल्कुल प्रभावित हुआ है, और पर्यटन सीजन के प्रभावित होने से जो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो हिली है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार, शासन, मुख्यमंत्री यहाँ के जो व्यापारी है उनके बिजली और पानी के बिल माफ़ करेगी? क्या उनको जो रोज़गार की हानि हुई है उनकी खाना पूर्ति करेगी? मेरा ये कहना है कि माननीय विधायक जी को 15 जून को याद आता है, वो अपने घर में बैठ के अधिकारियों की बैठक तो लेते हैं कि माल रोड के कारण की दुर्दशा के कारण मसूरी की छवि धूमिल हो रही है, तो क्या उन्हें मसूरी की माल रोड पर आकर नहीं देखना चाहिए था कि माल रोड की छवि कैसे धूमिल हो रही है, माल रोड का कार्य क्यों पूरा नहीं हो रहा है? लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन ले जाकर पिकनिक तो मनाते हैं, लेकिन माल रोड पर आकर माल रोड की दुर्दशा देखने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या उनका जनता के प्रति कोई दायित्व नहीं है, उनका कोई कर्तव्य नहीं है? मेरा ये भी कहना है कि जो ग्लोबल पावर हाउस है, माननीय मंत्री जी ने कई बार वहाँ पर दौरे करवाए, कह रहे DPR तैयार हो गई है, जर्मनी के इंजीनियर आ गए, फ्रांस के आ गए, तो क्या हमारे भारत में ऐसे इंजीनियर नहीं है जो इतनी छोटी लैंड स्लाइडिंग को रोक सके? तो कैसे आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की लैंड स्लाइडिंग रोकने की बात करते हैं? अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाग करने उधम सिंह नगर के नवनियुक्त जिलाधिकारी उदय राज सिंह खटीमा पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मंच पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर उनके निदान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लगभग 60 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय संगठनों और आम जनता ने तहसील दिवस में भाग लिया और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। अब खबर पौड़ी जिले के लैंसडाउन से है, जहां वन महोत्सव सप्ताह के दौरान लैंसडाउन वन प्रभाग के तहत आग डेरिया खाल में ब्लॉक प्रमुख जहरी खाल दीपक भंडारी और लैंसडाउन वन प्रभाग के DFO और वन कर्मचारी ने पौधारोपण किया। वहीं इस दौरान वन विभाग की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लैंसडाउन वन प्रभाग के DFO नवीन पंत की अगुवाई में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पौधारोपण से लेकर गोष्ठियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों के महत्व से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां शूटिंग खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में स्वर्ण पदक विजेता यशस्वी जोशी, बॉक्सिंग खेल में राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में भोपाल में आयोजित हुई यूथ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज निकिता चंद, काजल फरसवान, दीपा मेहता, रजत पदक विजेता मुक्केबाज कर्णिका कठायत और बैडमिंटन खेल में जून 2023 में लखनऊ में आयोजित हुई ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता एंजल पुनीडा और रजत पदक विजेता निश्चल चंद के लिए सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। स्वागत समारोह
सभी पदक विजेताओं खिलाड़ियों को दीपक बोहरा अध्यक्ष जिला पंचायत पिथौरागढ़ और रीना जोशी जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा शुभकामनाएं देते हुए शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। अब खबर चमोली जिले से है, जहां चमोली जिले के थराली का लोक निर्माण विभाग कुंभकर्ण की नींद से जाग गया है। लोक निर्माण विभाग की जमीन सही सरकारी जमीनों पर अनेकों अतिक्रमण है, लेकिन विभाग हमेशा ही मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं विभाग के कड़े रवैये के बाद अब लोक निर्माण विभाग हरकत में आया है, लेकिन महज खानापुर तक ही काम लोक निर्माण विभाग कर रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग थराली ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से थराली विकास खंड के अंतर्गत लोल्टी माल बजवाड़ मोटर मार्ग से 2 किलोमीटर के तुंगेश्वर नामक कस्बे में सड़क पर किए गए आधे दर्जन से अधिक अतिक्रमणों को हटा दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते आक्रमणकारी की एक नहीं चल सकी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।